हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ माय लेटेस्ट वीडियो फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्या आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में पर्सन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए पर्सन को लेकर। बेसिकली पर्सन तीन प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो बोलता है, अर्थात बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। अब वो बोलने वाला एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। अगर एक होगा तो उसके लिए आई है, अगर एक से अधिक होगा तो उसके लिए वी है। जिसकी हिंदी होती है आई की होती है मैं या मुझे, और वी की हिंदी होती है हम या हमें। वही सेकंड पर्सन सिंगुलर में इसका होता है दीव, जो कि अब अप्रचलित है, जिसका यूज अब नहीं किया जाता है। अगर आप देखना चाहे तो नॉवेल्स या पोएम वगैरह में देखने को मिलता है कहीं कहीं, बट अब इसका यूज नहीं किया जाता है। लेकिन यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। अब ये सेकंड पर्सन जो कि सुनता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो और मैं फर्स्ट पर्सन, आप एक से अधिक भी हो सकते हो और एक भी हो सकते हो। वही थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही हमारा थर्ड पर्सन होगा। इसमें ही सिंगुलर वह एक पुरुष के लिए, सी वह एक स्त्री के लिए, इट ये निर्जीव वस्तु या नॉन लिविंग थिंग्स वही बात है, या छोटे छोटे बच्चे या जानवरों के लिए इसका यूज किया जाता है एक्सेट्रा। प्लूरल दे वे वेल वे ये इसका प्लूरल होगा, जिसके बारे में बात की जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकेंड पर्सन जो सुनता है। अब वो दोनों ही एक से अधिक भी हो सकते हैं, फर्स्ट पर्सन एक से अधिक भी हो सकता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं तो प्लूरल होगा, मैं बोल रहा हूँ सिंगुलर होगा। वही तुम सुन रहे हो एक, और तुम एक से अधिक सुन रहे हो तो बहुवचन, मतलब कि फर्स्ट पर्सन के एक से अधिक भी हो सकते हैं, बोलने वाला एक से अधिक या एक भी हो सकता है। सेकंड पर्सन एक या एक से अधिक हो सकता है, वही थर्ड पर्सन भी एक या एक से अधिक हो सकता है, अधिक हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस टॉपिक प्लीज डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स।